हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है और मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो गेट 2019 और फर्दर गेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रे कास्ट आयरन में पैटर्न अलाउंस कैसे लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सारे के सारे पैटर्न अलाउंस बेसिकली लेते क्यों हैं, ताकि हम लोग सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करें, सॉलिड श्रिंकेज को, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, बिस्मुथ को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड श्रिंकेज के दौरान वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से हम लोग पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि मोल्ड हमारा बड़ा रहे, और श्रिंकेज होने के बावजूद हमारा जो कास्टिंग बने वो एग्जैक्ट साइज का बने। तो हम लोग देखेंगे कि पैटर्न अलाउंस फॉर ग्रे कास्ट आयरन कैसे लेते हैं। गेट 2016 का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में, प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो जाती है। हमारे टाइम पे जो एक जो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, जब हम लोग मैं तैयारी करता था, तो हमारे टाइम पे जो टीचर पढ़ाते थे वो बेसिकली 2004 में एक बार गेट ने क्वेश्चन पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन, और क्योंकि गेट उस टाइम पे आंसर की रिलीज नहीं करता था, तो इस वजह से दिक्कतें आ जाती थी। तो कोचिंग वालों ने क्या किया था कि गलत कॉन्सेप्ट लिखवाया था, और उनके मटेरियल में भी अलग, बड़े बड़े कोचिंगों के मटेरियल में मिस कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, और बच्चे, हम लोग भी वही याद करते थे, लेकिन 2016 में जब IIT ने आंसर की निकाला, तो वो मिस कॉन्सेप्ट दूर हुआ, और आपको यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो कि एक कैविटी है, एक ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ साइज 100 × 50 × 10 विद अ सेंट्रल स्फेरिकल कैविटी ऑफ 4 mm आर सैंड कास्ट। द श्रिंकेज अलाउंस फॉर द पैटर्न इज 3%। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इज, सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। यहाँ पे देखो, एक एप्टीट्यूड वाला सवाल यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, कि जैसा कि आप देख रहे हो कि कास्टिंग की जो कैविटी की जो वॉल्यूम है, वो फॉर्मूला लगाइए स्फेयर का, 4/3 πr³, तो वहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 33.51 mm³। और सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इक्वल टू LVH, सो दैट इज इक्वल टू 50,000 mm³। यू कैन सी हियर कि जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी है वो बहुत कम है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग से, सो वी विल गेट, वी कैन नेग्लेक्ट इट। इन गेट 2016 दे हैव गिवन इट टू कन्फ्यूज द कैंडिडेट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, सो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन में जरा देखो, ड्यूरिंग लिक्विड श्रिंकेज इट विल एक्सपैंड। देखो, ग्रे कास्ट आयरन ना लिक्विड श्रिंकेज में एक्सपैंड होता है, सो नो राइजर और स्मॉलर राइजर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ये पूछा जाए कि लिक्विड श्रिंकेज में ग्रे कास्ट आयरन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो आपको सिंपली देखना है कि एक्सपैंड करता है। क्यों करता है? तो क्योंकि ग्रे फ्लेक्स की फॉर्म, ग्रेफाइट फ्लेक्स फॉर्म होते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है, सो द कास्टिंग विल एक्सपैंड। बट ड्यूरिंग सॉलिड श्रिंकेज इट विल श्रिंक लाइक अदर मेटल। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट विल श्रिंक लाइक अदर मेटल। सो ये जो प्रॉपर्टी है ग्रे कास्ट आयरन के, बाकी के सिमिलर मेटल्स के लिए हैं। बहुत सारे बुक्स और नोट्स में ये लिखा गया है। इन मैनी बुक्स एंड नोट्स इट इज़ रिटन दैट इट विल एक्सपैंड ड्यूरिंग सॉलिड श्रिंकेज, विच इज़ रॉन्ग। वो गलत है भाई, तो उसे कृपया करके अगर आपने लिखा है तो उसे करेक्ट करें। जैसा कि सारे अलग, जैसे स्टील के लिए आप करते हो तो पैटर्न बड़ा बनाते हो कास्टिंग से, ताकि आपका श्रिंकेज के बाद आपका कास्टिंग जो हो एग्जैक्ट साइज का बने, तो इस वजह से ग्रे कास्ट आयरन में भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और इसकी आपको ध्यान रखना है। सो ग्रे कास्ट आयरन, इन ग्रे कास्ट आयरन ऑल्सो साइज ऑफ पैटर्न इज लार्जर देन साइज ऑफ कास्टिंग, एंड नाउ योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज दिस, सो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इक्वल्स टू, सो 3% इज व्हाट, 3 बेसिकली पैटर्न अलाउंस इज टेकन ऑन द लीनियर डायमेंशन, इट मीन्स इट इज गिवन ऑन डायमेंशन, सो 3% ऑफ व्हाट, वट एवर द साइज इज ओवर देयर, यू हैव टू टेक 3% ऑफ दैट साइज, सो 3% ऑफ 100 इज दिस, सो पैटर्न आपको 3% बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे डायमेंशन को। कास्टिंग की वॉल्यूम आपने पहले भी निकाल चुके हैं और नहीं निकाली, तो यहाँ पे भी 100 × 50 × 10। नो आप देखो, 100 से 100, 50 टू 50, 100 100 और 50 50 यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, और
10 से 10, सो आपका ये जो निकल के आएगा वो 1.03 की क्यूब आएगी, एंड इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.092 आंसर होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने पहले से कुछ कॉन्सेप्ट या लिखे हैं अपने नोट्स में और आपने कुछ बनाया है तो उसे करेक्ट करें कृपया करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू और खुश रहें।